हाय एवरीवन, मैं हूँ लवली। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लवली किचन में। आज मैं आपको सेवई बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरा तो ये फेवरेट है। तो अगर आप लोग को मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए हर वीडियो की जानकारी आसानी से आप लोग को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं सेवई बनाना। सेवई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध लिया है और यहाँ पे 1 पैकेट रोस्टेड सेवई लिया है, और इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 बाउल शुगर पाउडर ले लिया है और बादाम काजू ऐसे बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, चिरौंजी किशमिश, और यहाँ पे इलायची को मैंने कूट लिया है, पाउडर बना लिया है, और यहाँ पे सूखे नारियल को क्रश कर लिया है। गार्निश के लिए चाहिए बादाम और पिस्ता। तो चलिए सेवई बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए दूध को बॉईल कर लेते हैं। तो जब तक दूध बॉईल हो रहा है तब तक ये सेवई को थोड़ा सा हम ऐसे ही भून लेते हैं, कढ़ाई में गरम कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी रोस्टेड है लेकिन फिर भी इसे थोड़ा सा गरम करना सही होता है। मैंने अच्छे से गरम कर लिया है ऐसे। अब गैस को बंद कर देते हैं। तो देखिए दूध बॉईल होने लगा। इसको करीबन हम 2 मिनट के लिए ऐसे अच्छे से बॉईल करेंगे। ये दूध को उबलते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब सेवई डाल देते हैं। और इसको करीबन 1 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। ये बॉईल होते हुए करीबन 1 मिनट हो गए हैं। अब सारे ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, काजू, बादाम, ये सूखा नारियल घिसा हुआ, किशमिश और चिरौंजी, और ये इलायची पाउडर। ये सबको अच्छे से मिक्स करके करीबन 2 मिनट के लिए और बॉईल करेंगे ताकि अच्छे से ड्राई फ्रूट सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए करीबन 2 मिनट हो गए हैं और ड्राई फ्रूट सॉफ्ट भी हो गए हैं, और ये जैसे जैसे पकेगा और ही गाढ़ा होता जाएगा। तो अब इसमें शुगर डाल देते हैं, शुगर पाउडर। मैंने यहाँ पे 1/2 बाउल लिया है। आपको जितना मीठा पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर दें और 2 मिनट के लिए और हम इसे पकाएंगे। तो देखिए करीबन 2 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से बॉईल हो गया है और सेवइयाँ बनके तैयार हैं। इसकी पहचान है, ये जैसे ट्रांसपेरेंट देखिए दिख रहा है, यानी कि सेवइयाँ बनके तैयार हो गई हैं। अब गैस को बंद कर देते हैं। तो चलिए इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी सेवई बनी है। तो चलिए इसे गार्निश कर लेते हैं। बिल्कुल ही ऑप्शनल है क्योंकि ऑलरेडी इसमें ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, बादाम से और ये पिस्ता से। ये देखिए गर्मा गर्म सेवइयाँ बनके तैयार है। आप इसे गर्म या ठंडा जिस तरीके से मन करे वैसे खाइए। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, और आप इसे कभी भी किसी भी ओकेजन पे बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि सेवई की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।